अरे गाइस देखो सर का गुम्मा। गाइस एक बनाया और एक खराब कर दिया। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज हम लोग अभी युवांश के गांव आए हैं। सो गांव से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और गाइस अभी वक्त हो रहा है देखो 5:17। सो गाइस हम लोग सुबह आए थे गांव और यहां से सुबह से अभी तक एक व्लॉग बन चुका है और बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग बन चुका है, इसलिए सो हम लोग एक दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सो कैसा लगा युवांश तुमको यहाँ पे? अच्छा, मज़ा आ गया ना? सो गाइज अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ललितपुर और ललितपुर में अभी युवांश का के लिए इनवाइट किया है हीरो शोरूम वालों ने। सो वहाँ पे युवांश का स्वागत होना है। सो चलते हैं और गाइज उससे पहले हम लोग अभी यहाँ पे खेत में जाने वाले हैं। सो खेत में हम लोग आम तोड़ेंगे और साथ में खाएंगे भी। हाँ सो चलते हैं गाइज, आम तोड़ते हैं बहुत सारे है ना। तो गाइस देखो अभी हम लोग यहाँ पे आम तोड़ने आए हैं। सो युवांश भी है और गाइस देखिए आम का पेड़ यही वाला है ना, तो आगे वाला है आम का पेड़। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे गुम्मे बन रहे हैं, सो आपको दिखाते हैं। देखो ये देखो गाइस ये लोग ये बन रहे हैं गुम्मे। में क्या बात है। तो गाइस अब मैं गुम्मा बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। सो देखते हैं गुम्मा बनता है कि नहीं। दो अरे गाइस देखो सर का गुम्मा। गाइस एक बनाया और एक खराब कर दिया। पर हम एक और बनाएंगे अब। पूरे मिला उसको कम डालना वरना तो आपकी किस्मत खराब हो। ज्यादा मत दबाना उसको। ये देखो अब आ गया सही। पर ये कि लाइन से नहीं है, लाइन से नहीं है। तो गाइस ये देखिए काजू कतली बहुत सारी है, गांव की देसी काजू कतली। गांव की देसी काजू कतली। युवांश खाओगे? और ये क्या है युवांश के साइज के गुम्मे? ये देखो बहुत सारे आम गिरे, बहुत सारे। ये उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। बस बहुत है। हाँ इस साइड में रख लो यहाँ पे। ये देखो गाइस सीधे आम गिर रहे हैं ऊपर से। अब मत गिराओ, बहुत ज्यादा हो गए। हो गया काम युवांश। स्टार्ट। ये एक पत्थर में तीन आम गिरे। गाइस एक आम गिरा है, दो पहले से गिर गए थे। चलें। ये तबीले में बैठ के खाना खा रहे। तो गाइस अभी हम लोग सभी मंदिर पे दर्शन करके आ गए हैं। युवांश के जितने भी जहाँ जहाँ पैर पड़वाने थे सभी जगह पैर पड़वा के आ चुके हैं। और देखिए हमारे साथ सभी लोग हैं, अंकल जी भैया लोग हैं, चाचा और ये युवांश के बड़े पापा जी हैं, इन्हीं ने आम तोड़ा था। और देखिए अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, गाँव का शुद्ध देसी खाना। ये देखिए दाल बाटी भरता और अभी आम के जो आम तोड़े थे ना उसकी चटनी बन चुकी है और बन चुकी है और कड़ी पापड़ अचार सब कुछ। युवांश कैसे लग रहा है? अच्छा। खाओगे? हाँ। मैं तो
नमक क्या बात है। तो गाइस खाते हैं खाना, बहुत तेज भूख लग रही है, हम लोग सुबह से आ गए थे ना। खाए वंश? हां। तो गाइस खाना पीना हो गया हम लोग का, और देखो अभी वंश का नहीं हुआ है, हो गया। और देखो अज्जू भैया भी खा रहे हैं अभी खाना, आम खा रहा हूं। और हम लोग अब मंगा रहे हैं वो वाला आम जो हम लोगों ने तोड़ा था, कलमी आम। एक पेड़ में एक ही आम लगा था जो कि भैया ने कैच लिया था और बड़े पापा ने काटा था, तोड़ा था। अब काटने के लिए हम लोग हैं तैयार। भाई साहब पानी दो, ये इस चक्कू से काटेंगे। अरे यार आ गई गुठली इसमें। अभी मैं आम को छील के नया कॉम्बिनेशन, ये देखो हां हां नया कॉम्बिनेशन देखो, आम चाशनी के साथ रसगुल्ले की। नमक ही है। तो गाइस हम लोग का खाना पीना हो गया है और आराम भी हो गया है, और युवांश को यहाँ पे बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, है ना। अभी मेरा हो रहा है पैसा, सो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ललितपुर। चलो भाई चलो 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 चलो। देख के सो चलते हैं, ठीक है चले। फनी ब्लॉग, फनी ब्लॉग, ब्लॉग। चलो बोल ना किच, एक खोल नहीं पा रहे हो इवान। बाय बाय इवान, बाय बाय कर लो, बाय बाय चलो। हाँ तो गाइस अभी हम लोग ललितपुर पहुंच चुके हैं, और इवान के लिए मोहम्मद आ रही है, तो देखो अभी घुमाने ले गए हैं थोड़ा सा। और यहाँ से बस हम लोग निकल रहे हैं, और बस 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से हीरो शोरूम का, तो चलते हैं फिर हीरो शोरूम। गाइस आ गए हैं, चलो भाई ये उतरो 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 उतरो, आराम से आराम से आराम से। हाँ ये बात, तो गाइज अभी हम लोग भैया के शोरूम पे आए थे, और भैया ने बहुत सपोर्ट किया है युवांश के लिए, और मतलब दिल से सपोर्ट किया है, और आगे भी करते रहेंगे भैया, और बहुत अच्छे से किया है, और काफ़ी अच्छा लगा है। और देखिए सभी लोग हैं यहाँ पे, अरे वाह, ठंडी है ना। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं लायंस क्लब, एडियो। तो इवान साहब अपन लोग कहाँ पे जा रहे हैं? क्लास पे, क्लास पे है ना। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं क्लास पर, किसकी क्लास पे जा रहे हैं? हाँ मोनू भाई क्लास पे आ रहे हैं, सो चलते हैं गाइस। देखिए घंटाघर पहुंच चुके हैं। ओए युवांश, अभी हम लोग मोनू की क्लास भी होके आ चुके हैं, और अब गाइस हम लोग जा रहे हैं अपनी जिम आलोक भैया के पास, और अपनी डांस एकेडमी। सो चलते हैं गाइस, और ये बस हमारा लास्ट है,
और गाइस देखिए वक्त हो चुका है 7:44। इसके बाद हम लोग जाएंगे घर पे गाइस, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हम लोग सुबह से निकले हैं और गाइस कल रात भी, ये तो परसों से सफ़र कर रहा है युवांश, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बहुत दिन भर से डांस भी कर रहे हैं हम लोग। सो सीधे घर जाएंगे, अभी चलते हैं गाइस क्लास। आ जाइए अंकल जी, पापा जी के ऊपर भी फूल डाल दो। तो गाइज हमारी क्लास पे भी युवांश को बहुत लोगों ने स्वागत किया है, अभी घर चले। हेलो गाइज, तो गाइज हमारा घर आ चुका है, ये देखिए। ये क्या हुआ? तो गाइज घर आ चुका है और हम लोग को सुबह से रात हो चुकी है। टाइम देखिए गाइस, 9:42 हो गए हैं। सो चलते हैं, चलो बेटा। चलो चलो चलो, मम्मा क्या बोलते हैं हम? आम की बोरी आ चुकी है और ये मेरा पोस्टर ट्रॉफी। तो भाई मैं ट्रॉफी भूल गया हूँ गाड़ी में, मुझे अपने हाथ से तोड़ी। तो भाई अपने में ट्रॉफी तो मैं गाड़ी पे ही भूल गया था। आराम से बेटा, आराम से ये थोड़ा ओके ठीक करना। हाँ सर, सब कुछ ले लिया है, चलें बेटा। मैं ऊपर आता हूँ, अभी ऊपर आओ। हाँ चलो चाचा जी, चलते हैं। नीचे कर। तो गाइस मेरी दीदी आईफोन ले लिया है मैंने। तो गाइस अभी देखिए वक्त हो चुका है 10:57, 11 बज गए गाइस, और अभी हम बोलते हैं युवांश को बाय बाय, तो मिलते हैं फिर कल, और कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करो अपने, ठीक है ना? तो अपन सभी लोगों से यहीं गुड नाइट कर देते हैं। गुड नाइट करते हैं सब लोगों से, गुड नाइट। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, बाकी गाइस चलते हैं घर पे युवांश को बाय बाय बोल के, ठीक है? बाय बाय। अभी मैं आपको सुनने